Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 1 of complex analysis by Denizen Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1-20 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट द फॉलोइंग पावर्स ऑफ एयोटा। इस क्वेश्चन में हमने आयोटा की पावर्स को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें अब आयोटा की पावर 8, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी आयोटा की पावर 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एयोटा की पावर 4 डॉट एयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एयोटा की पावर 4 इसको हम मजीद लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा एयोटा की पावर 4 और फिर डॉट एयोटा स्क्वायर। तो यहां पर आप एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। देखें अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर डॉट -1। तो -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल डॉट -1। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल -1। यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है हमारे पास -1। इस तरह अब आयोटा की पावर 11 है, तो देखें अब आयोटा की पावर 11 को हम किस तरह लिख सकते हैं। अब ये टोटल क्या है स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 10 है, ठीक है, आयोटा की पावर 10 है और साथ में ये आयोटा है, ये टोटल बन जाएगी आयोटा की पावर 11। तो आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5 डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास -1, तो -1 की पावर 5 क्या होता है, यानी ये -1 है इसकी पावर 5 क्या होता है, हमारे पास वही -1 ही आएगा। तो इसका आंसर -1 और साथ में आयोटा है, तो अब टोटल इसका आंसर क्या होता है, ये हमारे पास आता है -आयोटा की, तो यहाँ पर ये -आयोटा, ठीक है। इस तरह अब इसका सी पार्ट था आयोटा की पावर 42, तो आयोटा की पावर 42 को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आयोटा 40 डॉट आयोटा स्क्वायर, ठीक। तो आयोटा 40 को हम किस तरह लिख सकते हैं मजीद, आयोटा स्क्वायर की पावर 20, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की पावर 20, ये बन जाएगा आयोटा 40 डॉट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की पावर 20 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, यानी -1 की पावर 20। फिर आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 की इक्वल होता है, ये आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डॉट -1, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 के। यहाँ पर देख लें ये इसका आंसर क्या होता है -1। इस तरह अब यहाँ पर आयोटा की पावर क्या है 105, तो यहाँ पर इसको हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की पावर 26 डॉट आयोटा, ठीक है, यानी इसको उसने लिखा हुआ है आयोटा की पावर 104, ठीक है, 104 डॉट आयोटा। फिर आप आयोटा की पावर 104 को हमने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मजीद आप डॉट आयोटा है, जब आप आयोटा स्क्वायर की पावर 26 है जब आप इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -1 की पावर 26, तो -1 की पावर 26 हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1 डॉट आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है आयोटा होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, तो राइट है राइट द गिवन नंबर्स इन ए प्लस एटा बी की फॉर्म। तो हमने इन नंबर्स को हमने क्या करना है कि ए प्लस एटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी ये है 2i3 माइनस 3i² प्लस 5i। तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव 1 होता है, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 1 डॉट आयोटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2i³ माइनस 3i² प्लस 5i विच इज इक्वल टू 2 × माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा कैसे है, ये आयोटा की पावर 3 की वैल्यू है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव 1 होती है, और यहाँ पर प्लस 5i कैसे आ चुका है, तो ये आ जाएगा माइनस 2i, ये आ जाएगा प्लस 3 और ये 5i। तो माइनस 2i प्लस 5i तो ये आ जाएगा 3i और ये 3 पैसे आ गए। तो इसका आंसर क्या आता है, 3 + 3i। इस तरह अब इसका बी पार्ट है, अब बी पार्ट में हमें गिवन है 3i⁵ माइनस i⁴ प्लस 7i³ माइनस 10i² माइनस 9। अब ये किसकी इक्वल आता है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इन पावर्स, जब हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेंगे। तो देखें यहाँ पर, तो आयोटा की पावर 5 स्टूडेंट्स ये किसकी इक्वल आता है, आयोटा की इक्वल आता है, देख लिया यहाँ पर आयोटा की पावर 5। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 इसको ये किसकी इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है डॉट आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 4 स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो 1 डॉट आयोटा ये आयोटा बन जाएगा। आयोटा की पावर 5 किसके इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है, तो यहाँ पर 3i आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4 यहाँ पर ये 1 की इक्वल होता है, ये आ जाएगा -1, और आयोटा क्यूब के किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ये -1 के इक्वल, ठीक है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -7i, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये -9 वैसे आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये -10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आ जाएगा -4i। यहाँ पर ये 3i है और ये 7i, यहाँ पर क्या आता है, -4i आता है, और देखें स्टूडेंट्स ये -9 और ये -1, तो ये बनता है -10 और साथ में ये +10 है, तो ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 -4i, इसका आंसर क्या आता है, 0 − 4i। अब ये इसका सी पार्ट है, 5 ओवर आयोटा प्लस 2 ओवर आयोटा³ माइनस 20 ओवर आयोटा³ इज इक्वल टू क्या आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम इस 5 ओवर आयोटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अब ये किसकी इक्वल आता है, ठीक है, तो देखें हम किस तरह लिखते हैं 5 ओवर आयोटा को, 5 ओवर आयोटा, आप क्या करें कि यहां पर आयोटा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें माइनस आयोटा और डिवाइड भी कर लें माइनस आयोटा से, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर आयोटा है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, इसको आप सॉल्व करें तो क्या आता है, ये -5i आता है, -5i, यहाँ 5 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये -i² यानी -i²
तो एटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव वन होता है, तो यहां पर भी नेगेटिव है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, यानी नेगेटिव आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा अब पॉजिटिव वन पी में, ठीक है, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव वन, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव आयोटा, ये बन जाएगी माइनस फाइव आयोटा बन जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा कि फाइव ओवर आयोटा, देखें ये क्या बनता है, नेगेटिव फाइव आयोटा बनता है। अब टू ओवर आयोटा क्यूब, अब देखें ये किसके इक्वल आता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, ये नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, यहां पर लिखेंगे, यहां पर ये देख लें आयोटा क्यूब क्या होता है, नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने क्या किया कि यानी आयोटा क्यूब को हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखें आयोटा क्यूब ये नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, यहां पर आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो देखें आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वन होता है, नेगेटिव वन डॉट आयोटा ये होता है स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने, यहां पर आयोटा क्यूब की जगह नेगेटिव आयोटा, यहां पर नेगेटिव आयोटा था तो हम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, टू आयोटा आता है, ओवर क्या आता है, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यानी अब ये टोटल क्या बन जाएगा, टू आयोटा बनेगा स्टूडेंट्स, देखें अब टू आयोटा यानी टू आयोटा ओवर क्या आता है, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, तो नेगेटिव आयोटा स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव वन के इक्वल होता है, ये टोटल क्या बन जाएगा, टू आयोटा बन जाएगा, तो यहाँ पर ये टू आयोटा आ चुका है, और आयोटा 18 स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है, आयोटा स्क्वायर डॉट सॉरी आयोटा स्क्वायर की पावर 9, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव वन, तो नेगेटिव वन की पावर जो 9 वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वन ही होता है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहली वैल्यू क्या आती है, माइनस फाइव आयोटा आती है, यानी यहां पर क्या आ जाएगी, माइनस फाइव आयोटा, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये स्टूडेंट देख लीजिए यह आ चुका है माइनस फाइव आयोटा, और इसकी जगह पर क्या आता है, टू आयोटा, तो यहां पर ये टू आयोटा लिख लिया है, और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, ये नेगेटिव 20 आता है, तो यहां पर ये नेगेटिव 20, और पहले से ही यहां पर एक नेगेटिव था, तो ये क्या बन जाएगा, अब पॉजिटिव 20 बन जाएगा, यहां पर ये हमने पॉजिटिव 20 लिख लिया है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 20, अब माइनस फाइव आयोटा प्लस टू आयोटा ये बन जाएगा थ्री आयोटा, ये 20 माइनस थ्री आयोटा, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इसका हम डी पार्ट को डिस्कस करते हैं, तो इसका डी पार्ट देखें, अब ये है टू आयोटा की पावर 6 प्लस टू ओवर माइनस आयोटा की पावर 3 प्लस फाइव आयोटा की पावर माइनस फाइव माइनस 12 आयोटा, तो देखें अब आयोटा 6 किसके इक्वल होता है, आयोटा की पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, ये टोटल क्या बनता है, आयोटा 6 बनता है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव 1 होता है, तो नेगेटिव 1 की पावर 3, तो ये टोटल क्या आता है, नेगेटिव 1 आता है, तो यहां पर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस 12, ठीक है, और देखें टू ओवर माइनस आयोटा, टू ओवर माइनस आयोटा ये किसके इक्वल होता है, टू ओवर माइनस आयोटा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा ओवर आयोटा से, ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स टोटल टू आयोटा बन जाएगा, और टू आयोटा की पावर क्या है हमारे पास, ऊपर 3 है, तो देखें अब ये मैं सेकंड इसको सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टू आयोटा की पावर 3, तो टू की पावर 3 ये 8 बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, नेगेटिव आयोटा होता है, ये टोटल बन जाएगा नेगेटिव 8 आयोटा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सेकंड। देखें यहां पर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव यहां पर आयोटा में है, ठीक है, 8 आयोटा, क्योंकि यहां पर जो आयोटा
क्यूब है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आयोटा क्यूब। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये है 5 आयोटा की पावर -5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आता है इसका रिजल्ट -5 आयोटा। तो देखें ये किसके इक्वल आता है। अब आयोटा की पावर -5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयोटा 5 क्या होता है, 1/ ये क्या बनता है, आयोटा बनता है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 यानी इसको आयोटा की पावर 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 4 पॉजिटिव 1, ये टोटल बनता है आयोटा के इक्वल बनता है। तो 1/आयोटा किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, देखें जब आप इसको नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो ये हमारे पास बनता है नेगेटिव आयोटा। तो ये आयोटा की पावर -5 ये नेगेटिव आयोटा के इक्वल आता है। तो देखें यहां पर हमने -5 आयोटा लिख लिया है, ठीक है यहाँ पर, तो -12 आयोटा ये वैसे आ जाए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें तो ये पहला क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास -2 आता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती थी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखी थी -8 आयोटा, ये -8 आयोटा और फिर -5 आयोटा और ये -12 आयोटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -25 आयोटा। इस डी पार्ट का ये हमारे पास क्या आता है आंसर आता है। इस तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रॉब्लम 3-20 राइट द गिवन नंबर इन a+iota b फॉर्म। ठीक है, तो हमने 3 से 20 तक इन क्वेश्चन को a+iota b की फॉर्म में लिखना है। देखिए अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखें तो यहां पर हम इनको ऐड कर लेंगे सिंपली, इनको क्या कर लेंगे सिंपल ऐड कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 5 -9 आयोटा + 2 -4 आयोटा। तो ये 5 + 2 ये बन जाएगा 7 और ये -9 आयोटा और ये -4 ये बन जाएगा -13 आयोटा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 7 - 13 आयोटा। इस तरह अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, फिर इस 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या आता है, तो 3 × 4 = 12, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा, ये -15 और ये -6 आयोटा। तो इनको आप ऐड करें यानी चीजों को, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स देखें 12 - 15, तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास -3 आता है और ये -3 आयोटा और -6 आयोटा, तो ये बन जाता है -9 आयोटा। इसका सिंपल ये आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करना है iota × 5 + 7 आयोटा। तो हम इनको क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 5 iota 5 + iota² 7। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 की इक्वल होता है, ये बन जाएगा iota 5 + (-1, 7), ये बन जाएगा iota 5 - 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने यहाँ पर iota² = -1 यूज किया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट होता है। इसको हमने a+iota b की फॉर्म में लिखना था, तो पहले रियल आना था तो इसलिए हमने पहले -7 लिख लिया और फिर हमने आयोटा बी को लिख लिया। ठीक है iota b, तो यहां पर ये iota 5 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, iota × 4 - iota + 4 iota × 1 + 2 iota। तो पहले हम इनको सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे
इसको हम 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें क्या आता है। ये 4 आयोटा बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर यानी ये माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है, माइनस वन की, सॉरी पॉजिटिव वन की। आयोटा स्क्वायर नेगेटिव वन और ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव वन लिखा हुआ है, प्लस ये बन जाएगा 4 आयोटा और ये बन जाएगा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखें क्या आता है, 4 आयोटा और ये 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा 8 आयोटा, ये प्लस 1 और ये 8 आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 7। ठीक है, 8 माइनस 1 ये नेगेटिव 7 और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, प्लस 8 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, माइनस 7 प्लस 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखें यहां पर पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा प्लस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं कि माइनस 3 आयोटा को 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 12 आयोटा सिंपल और ये बन जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। यहां पर आप इनकी वैल्यूज पुट करें, ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू 8 और ये माइनस 12 आयोटा और ये 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 10 आयोटा। और यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 3। और आप इनको फिर आप सॉल्व करें, ये बन जाता है 11 माइनस 10 आयोटा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आता है, 11 माइनस 10 आयोटा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहां पर हमें गिवन है 1/2 माइनस 1/4 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2/3 प्लस 5/3 आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल यहां पर हम क्या करेंगे, पहले आप इस तरह कर लें कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट। ठीक है, 1/2 को आप यानी 2/3 प्लस 5/3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। ये आता है स्टूडेंट्स 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल, ये इसका आंसर क्या आता है, 1/3। तो यहां पर ये 1/3 आ चुका है, फिर आप 1/2 को 5/3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये 5/6 आयोटा। फिर आप 1/4 आयोटा को 2/3 से मल्टीप्लाई करें, तो इस 2 से ये स्टूडेंट्स 2 यानी यहाँ पर 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/ यानी माइनस 1/6 आयोटा। तो यहाँ पर ये माइनस 1/6 आयोटा आ चुका है, फिर आप माइनस 1/4 आयोटा को 5/3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यानी 1/4 आयोटा, ये नेगेटिव 1/4 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/3 आयोटा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1, तो ये भी नेगेटिव है, ये 12 क्या बन जाएगा, 5/12 बन जाएगा पॉजिटिव 5/12, ये इसकी वैल्यू आती है। यहां पर देख लें ये 5/12 भी लिखा हुआ है, तो बाकी हमने इन दोनों को भी ऐड कर लिया है। ठीक है, इनको ऐड किया तो ये आ गया 4/6 आयोटा और ये 1/3 यहां पर वैसे है।
अब फिर यहाँ पर रियल को ऐड कर लें, यानी 1/3, और 5/12 को आप ऐड कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमने 1/3 प्लस 5/12 लिखा प्लस 4/6 आई बटा। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं 9/12 और प्लस 4/6 आई बटा ऐसे। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 3/4 प्लस 2/3 आई बटा। ठीक है, मजीद आप सिंप्लीफाई करें कि ये इसको आप 3 से यानी कैंसिल कर लेंगे, यानी 9/12 था तो ये 3/4 बन जाएगा, 3 पर डिवाइड हो जाएंगे दोनों टर्म्स, प्लस अब ये दोनों टर्म्स 2 पर डिवाइड हो जाती हैं तो ये बन जाएगा 2/3 आई बटा। तो ये इसका रिजल्ट है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है कि 3 आयोटा प्लस 1/2 माइनस आयोटा, इसको हमने लिखना है स्टूडेंट्स ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम स्टूडेंट इसमें ऐड कर देंगे इस वैल्यू में। तो देखें अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि अगर हम x प्लस आयोटा वाई इन टू एक्स माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करें, इसका सिंपल क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, जब आप यानी a माइनस a प्लस आयोटा बी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस आयोटा बी से, तो इसका सिंपल जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है। तो जब आप 1/x माइनस आयोटा वाई को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यानी 1/x माइनस आयोटा वाई था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई भी करते हैं और क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं, x माइनस आयोटा सॉरी x प्लस आयोटा माइनस। ठीक है, जब आप इनको माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। जब आप एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर आप एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर दें प्लस आयोटा, और वाई ओवर क्या कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1/x माइनस आयोटा वाई का आंसर आ जाएगा, ये वाला टोटल वैल्यू, ये टोटल। तो हम यहां पर हमें ये गिवन है 1/2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये है 1/2 माइनस आयोटा था स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाता है स्टूडेंट यहां पर वाई क्या है, वाई हमारे पास -1 के इक्वल है, -1 किसके इक्वल है यहां पर वाई के। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहां पर y का स्क्वायर प्लस आयोटा 1/ देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर में 1 गिवन है ना, तो 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास x भी 1 है और y भी 1 है। ठीक है, इसलिए यहां पर हमें ये 1 गिवन है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/5, तो ये बन जाएगा 2/5। ठीक है, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आना है, 2/1 सॉरी, यहाँ पर 2/1 है, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था कि यहाँ पर हमारे पास x माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ पर x इक्वल था स्टूडेंट्स हमारे पास 2 के, और y की इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के, x 2 है तो यहां पर ये 1 था, यहां पर 1 की जगह तो 2, ये आ जाएगा 2/5, और ये
फाइव की यहाँ पर वैल्यू वन है और ये बन जाएगा प्लस एटा वन ओवर फाइव। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आता है कि वन ओवर टू माइनस एटा ये किसकी इक्वल होता है, टू ओवर फाइव प्लस एटा वन ओवर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्री आयोटा के साथ स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थ्री आयोटा प्लस टू ओवर फाइव प्लस आयोटा वन ओवर फाइव, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, हम आयोटा और आयोटा को मिला लेंगे, ये सिंपल हमारे पास ये रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ यानी कंबाइन कर रहे हैं। तो ये हमने आयोटा कॉमन ले लिया और ये आ गया थ्री प्लस वन ओवर फाइव। तो आप थ्री प्लस वन ओवर फाइव को कैलकुलेट करें तो ये बनता है सिक्सटीन ओवर फाइव। ठीक है, और इसके साथ में आयोटा वैसे आ चुका है। तो इस टर्म का जो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आता है टू ओवर फाइव प्लस आयोटा सिक्सटीन ओवर फाइव। तो ये इसका क्या आता है आंसर आता है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, यहां पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा। तो अगर आप इसको इन स्टेप्स से करना चाहें तो यहां पर मैं इनको डायरेक्ट स्टेप्स भी यहां पर कर सकता हूं। मेरे पास गिवन था कि आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा गिवन था स्टूडेंट्स। आप इसको क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई कर लें वन माइनस आयोटा। ये आपने याद रखना है कि यहां पर अगर वन प्लस आयोटा थी टर्म, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे वन माइनस आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब आप यहां पर जो भी अगर यहां पर नेगेटिव होता यानी वन माइनस आयोटा होता, तो इसको हम क्या करते हैं कि वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आ जाता फाइव प्लस टू आयोटा आ जाता नीचे वाले टर्म पर, तो आप इसको क्या करते मल्टीप्लाई भी करते डिवाइड भी करते, यहां पर नेगेटिव लगाते। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है तो आप क्या लगाते नेगेटिव लगाते। तो यहां पर वन प्लस आयोटा था तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे वन माइनस आयोटा से। तो इसको देखें आगे मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा, और यानी हमने क्या किया आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों टर्म्स को हम इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये क्या आता है स्टूडेंट्स, यानी एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है, यानी इस तरह है, यानी ए प्लस बी है और इन टू ए माइनस बी है। तो अगर ये कोई इस तरह की फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के ये टर्म्स हमारे पास हासिल होते हैं। ठीक है, जब आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आप आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वन का स्क्वायर वन, और ये नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव वन होता है। तो ये स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर नेगेटिव आयोटा है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव वन। तो इसको जब हमने मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाता है आयोटा पॉजिटिव वन ओवर क्या बनता है टू बनता है। फिर आप टू को इन दोनों टर्म्स पर डिवाइड कर लें, ये बनता है स्टूडेंट्स वन ओवर टू प्लस आयोटा ओवर टू। तो ये सिंपल इसका क्या आता है आंसर आता है, इसको हम यहां पर देख सकते हैं ये वन ओवर टू प्लस आयोटा ओवर टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आयोटा ओवर टू को लिख सकते हैं आयोटा डॉट वन ओवर टू, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको आयोटा ओवर टू। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
तो इस क्वेश्चन को भी हम जो प्रीवियस मेथड था उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन गिवन भी है, तो हम इसको जो प्रीवियस मेथड था उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये हमें गिवन है 2 - 4 iota ओवर है हमारे पास 3 + 5 iota, 3 + 5 iota। तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, 3 - 5 iota से। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 3 - 5 iota से, 3 - 5 iota। तो जब आप अब फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये 2 × 3 ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और ये 2 - -5 iota तो ये बन जाएगा -10 iota। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर -4 iota × 3 तो ये बन जाएगा -12 iota, और ये -4 iota - 5 iota इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 20 iota square। ठीक है, और नीचे क्या आता है इसके, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये -25 iota square। ठीक है, ऊपर टर्म को आप सॉल्व करें तो ये क्या आता है आंसर, ये 20 iota square है तो ये -20 बनेगा और ये +6 है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -14। इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और ये -10 iota - 12 तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -22 iota, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब 9 - 25 iota है तो 25 iota स्टूडेंट्स 25 iota square क्या होता है, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव है, iota square क्या होता है, -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + 25, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -40 - 22 iota और बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 25 + 9, तो ये बन जाएगा 34। ठीक है, अब फिर इसको आप डिवाइड कर लें, यानी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं, ये -40 ओवर क्या बन जाएगा 34, फिर आ जाए -22 ओवर 34 iota। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फिर इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है -7/17। ठीक है स्टूडेंट्स, और -iota 11/17। आप मजीद इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो ये बनता है स्टूडेंट्स मजीद -7/17 बनता है, और ये 2 × 11 = 22 और ये स्टूडेंट्स बनता है मतलब 17 iota। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन यहाँ पर 12 मैंने स्किप किया है वो भी सेम टू सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी स्टेप से ये सॉल्व हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के 3 - iota (3 - iota) × 2 + 3 iota ओवर 1 + iota को सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 - iota इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 iota से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 9 + 9 iota - 2 iota और क्या है 1 + iota। तो ऊपर वाले टर्म को आप सॉल्व करें तो ये आता है 9 + 7 iota ओवर 1 + iota। फिर आप क्या करें कि
इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, वन माइनस एटा, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और वन माइनस एटा से इसको डिवाइड भी करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म्स आ जाएंगी, एक ये टर्म और एक ये टर्म आ जाएगी। इसको आप ऊपर वाले टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 है, तो जब आप लिख लेंगे इसको आगे 16 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्ट होके 8 माइनस आयोटा, इसका आंसर क्या आता है 8 माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और 11 माइनस 2 आयोटा, जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपने खुद करनी है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इस आंसर को स्टूडेंट्स हम फिर 11 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे 11 प्लस 2 आयोटा से। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो देखें यहां पर हमने 11 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है और इसको डिवाइड भी किया, ठीक है। फिर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस आयोटा एंड 2 11 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों टर्म्स यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 11 का स्क्वायर और नेगेटिव 4 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। जब आप 11 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 121 और ये माइनस 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस 1 होता है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 121 प्लस 4। जब इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 125, तो देख लें ये आता है 125 यहां पर। और जब आप 3 माइनस आयोटा और 11 प्लस 2 आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो ये बन जाएगा 33 प्लस 6 आयोटा माइनस 11 आयोटा प्लस 2, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 35 माइनस 5 आयोटा ओवर 125। तो इसको जब आपने क्या किया कि 35 ओवर कर लिया हमने 125 और फिर आगे क्या स्टूडेंट्स नेगेटिव 5 ओवर 125 आयोटा। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 25 नेगेटिव आयोटा 1 ओवर 25। तो ये इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर है। इसमें सिंपली हमने क्या करनी है कि पहले हमने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना है और इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर को आपने क्या करना है कि 11 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, फिर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इसका ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16, तो 14 के बाद जो हमने 15 स्किप किया है वो भी सेम टू सेम जो प्रीवियस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी मेथड से हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्यूब ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे इन टर्म्स को एड करेंगे, फिर इस टर्म्स को भी हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें अब ये टर्म हमने 1 ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है
इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो ये 2i³ था, तो 2i³ हमारे पास क्या आता है, 2i³, तो i³ हमारे पास नेगेटिव i² होता है, तो ये हमारे पास बनता है नेगेटिव 2i², तो ये है 4 + 5i² नेगेटिव 2i², तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 + 3i², तो 5i² में से आप 2i² को माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आता है 3i². और इस टर्म का हमारे पास क्या आंसर आता है, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आता है 3 + 2i². देखिए जब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 4 + i² + 2i², ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने स्क्वायर ओपन किया है a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में, तो देखें ये हमारे पास आता है 4 - 1 + 2i², जिसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3 + 2i². तो ये टर्म हमारे पास 3 + 2i² आ चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 - 2i² से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 3 - 2i² से। तो आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में आप इन टर्म्स और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस टर्म और इस टर्म को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन आप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 × 3, तो ये आ जाएगा 12 और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -8i² - 8i² और ये बन जाएगा 9i² + 9i² और 3i² × 2i², ये बन जाएगा -6i² और नीचे वाले टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आती है, ये 3 का स्क्वायर 9 और -4i², ठीक है। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें ऊपर टर्म्स को, ये -6i² है तो ये बन जाएगा +6 बन जाएगा, जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12 है तो ये बन जाएगा 18 और ये स्टूडेंट्स -8i + 9i है तो ये सिंपल बन जाएगा हमारे पास आयोटा और ये बन जाएगा 9 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है आयोटा 4i² है, तो 4i² की जगह आप जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये 9 + 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका टोटल आंसर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ये 18/13 + 1/13i². इसका फाइनल आंसर ये है ना। आई थिंक आप इस स्टेप को भी देखिएगा कि ये स्टेप से आंसर हमारे पास ये आता है, लेकिन जब आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको आपने इस क्वेश्चन को भी चेक करना है कि ये स्टेप्स सही हैं या हमारे पास ये स्टेप्स सही हैं। तो इसको हमने स्टूडेंट्स देखे हैं तो ये आता है 4 × 3 = 12 और ये बनता है -8i² और ये +9i - 6i² और ये आ जाता है स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर और -4 का यानी 2i² ये बन जाएगा 4i². तो ये हमारे पास स्टेप्स ठीक है, तो आई थिंक ये स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग स्टेप्स है। तो इसको आप चेक कीजिएगा कि कौन से स्टेप्स यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर है कि 1 + i² * 1 - i³। देखते हैं इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है।
तो वन प्लस अब ये आयोटा का स्क्वायर है, डॉट वन माइनस आयोटा का ये क्यूब है। तो अब इस चीज को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि वन माइनस आयोटा इसका स्क्वायर डॉट वन माइनस आयोटा, जब आप इसको कंबाइन करेंगे यही हमारे पास क्या बन जाएगा, वन माइनस आयोटा होल की पावर थ्री बन। तो फिर आप क्या करें, अब ये वन प्लस आयोटा ठीक है होल का स्क्वायर है और ये स्टूडेंट्स वन माइनस आयोटा होल का स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम मिला सकते हैं, यानी वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, और ये थर्ड टर्म है ये हमारे पास वैसी की यहाँ पर वैसी आ रही है। तो इसको मजीद सिंपली अब इन दोनों आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास वन माइनस आयोटा से, तो ये बन जाएगा आंसर इसका हमारे पास, ये वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन, तो ये बन जाएगा टू, और टू का ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फोर, ठीक है ये बनता है फोर, फोर इंटू वन माइनस आयोटा, ये थर्ड टर्म ये यहाँ पर वैसी आ रही है, अब फोर को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा फोर माइनस फोर आयोटा, तो इस का आंसर हमारे पास क्या आता है फोर माइनस फोर आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमने 18 को डिस्कस किया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 भी हमने क्या करना है कि थ्री प्लस सिक्स आयोटा प्लस फोर माइनस आयोटा इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा प्लस वन ओवर टू माइनस आयोटा। तो पहले हम क्या कर लेंगे कि इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई यहां पर किया हुआ है तो इसका रिजल्ट आता है टू ओवर फाइव प्लस आयोटा ओवर फाइव, इसका ये रिजल्ट आता है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखें यह आता है थ्री प्लस सिक्स आयोटा प्लस फोर माइनस आयोटा इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा प्लस वन ओवर टू माइनस आयोटा। तो पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये आता है ट्वेल्व माइनस इंटू माइनस फाइव ठीक है प्लस आयोटा इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी, तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन आती है। फिर हमने इसकी यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली है, फिर ये आ जाता है स्टूडेंट्स थ्री प्लस सिक्स आयोटा, और फिर इन जब आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आता है सेवनटीन प्लस सेवनटीन आयोटा, और ये हमारे पास क्या आता है टू ओवर फाइव प्लस आयोटा ओवर फाइव। तो आप मजीद इनको सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स थ्री और ये सेवनटीन, ये बन जाएगा ट्वेंटी, और ये यहाँ पर रियल पार्ट है टू ओवर फाइव, तो हमने ट्वेंटी के साथ ही इस पार्ट को लिख लिया, और ये फिर स्टूडेंट्स सिक्स आयोटा प्लस सेवनटीन आयोटा, तो ये बनता है हमारे पास ट्वेंटी थ्री आयोटा, और ये हमने यहाँ पर आयोटा ओवर फाइव यहाँ पर लिख लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनता है वन जीरो टू ओवर फाइव, प्लस जब आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये बनता है आयोटा वन वन सिक्स ओवर फाइव। तो ये इस क्वेश्चन का ये हमारे पास क्या आंसर है कि वन जीरो टू ओवर फाइव प्लस एयोटा डबल वन सिक्स ओवर फाइव, तो ये इसका हमारे पास क्या आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस टर्म से इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करें। देखें इस टर्म को सॉल्व करें, पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के टू माइनस एयोटा ओवर हमारे पास क्या है वन प्लस टू आयोटा है, इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में ले आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे वन माइनस टू आयोटा से, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे वन माइनस टू आयोटा से। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ये टू और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है माइनस फोर आयोटा,
ठीक है, और ये माइनस एटा और फिर क्या आता है प्लस एटा, टू एटा स्क्वायर प्लस टू एटा स्क्वायर, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या आता है ये वन का स्क्वायर यानी वन आएगा और टू का स्क्वायर यानी हमारे पास नेगेटिव फोर आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर आयोटा है और ये आयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा नेगेटिव टू और ये पॉजिटिव टू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव फाइव आयोटा ओवर हमारे पास आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइव बन जाएगा, ये फाइव से फाइव कैंसिल, हमारे पास सिंपल आयोटा इसका आंसर होता है नेगेटिव आयोटा, ठीक है। तो इसका सिंपल हमारे पास क्या आता है नेगेटिव आयोटा, तो नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आगे क्या आता है, देखें यहां पर है टू प्लस थ्री आयोटा। जब हमने इस टर्म को सॉल्व किया था तो इसका आंसर आता है नेगेटिव आयोटा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्क्वायर भी है, तो हमने सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया था, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है नेगेटिव आयोटा। तो नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आते हैं, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स, यानी टू प्लस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव वन होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव टू माइनस थ्री आयोटा, तो इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर नेगेटिव टू माइनस थ्री का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।